हेलो गाइस, गर्ल्स फ्रॉम जेके। एंड आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि HSL और HSB आप कैसे मैनेज कर सकते हो आपके फोटोज में। HSL या फिर HSV भी बोलते हैं कुछ लोग। HSL का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, या फिर V का मतलब होता है वेल्यू। तो ये चीज़ आप कैसे अपने फोटोज में मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से यूज करना है। एक फोटो जब ऐसा दिखता है, उस फोटो को आप कैसे इस तरीके की बना सकते हो, है ना। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और एक फोटो को आपको ठीक करके दिखाएंगे कि कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर फोन्स में क्या होता है, जो शाओमी वगैरह होता है या फिर रियलमी वगैरह होता है, इन सब फोन्स में क्या होता है कि थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल हाई होता है। यानी कि हमारा जो स्किन टोन होता है वो हमेशा ज्यादातर रेडिश होता है या फिर येलोइश होता है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब ग्रेडियंट टाइप का होता है क्या। और आप अगर DSLR में देखोगे तो DSLR में ऐसा कोई फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल में है, जो रियलिटी में है, वही दिखाते हैं DSLR। बट एक फोन क्या करता है, उसका सेचुरेशन लेवल को हाई करता है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा होता है, थोड़ा सा रेडिश टोन देता है। कभी कभी ये बुरा लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो इस चीज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं वही आपको दिखाएंगे। तो ये चीज होता है आपके फोन के सेंसर के द्वारा। और हमारे फोन में जो सेंसर होते हैं वो ज्यादा लाइट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से AI की मदद से इस पे थोड़ा सा डिटेल्स डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल को हाई करते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा डालते हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में अभी जानते हैं। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी कहां पर हूं, मैं हॉस्टल में हूं, जो सिपेट का हॉस्टल है। और यहाँ पर देखो बारिश गिर रहा है, और यहाँ पर देखो पत्थर देख के आपको लग रहा होगा कि यह गीला है, एक्चुअल में यह गीला है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिस वजह से ऐसा नॉइज भी आ रहा है आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा। अभी खाना वाना खा के उसके बाद फिर से और दूसरा का क्लास है मेरा, तो उसके बीच में आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो अभी चलिए स्क्रीन पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर आप HSL एंड HSV का स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, यानी कि फॉर्म और उसके बारे में डिटेल, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये फोटो, जहाँ पर देखो बहुत सारे मतलब ऐसा लग रहा है कि स्किन टोन बिल्कुल रेडिश है, ठीक है। तो इसको कैसे हम वाइट जैसा बना सकते हैं, जो ओरिजिनल लुक है वो हम दे सकते हैं, तो उसकी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारा फेस पर बहुत सारे येलोस है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैंने एडिट किया है, ये देखो यहाँ पर देखो कितने वाइट्स है, ठीक है। मतलब इसका सेचुरेशन कम किया गया है, होल फोटो का नहीं, बस इसका जो येलोइश जो टून था मतलब स्किन पर, उसको सिर्फ कम किया गया है, ठीक है। तो इसे कैसे कम करना है, यहाँ पर आप वर्सेस भी देख सकते हो, यानी कि एक है नॉर्मल, एक है एडिटेड। तो एडिट कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये फ़ोटो मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया था, यहाँ पर देखो कितना येलोइश एक मतलब ऑरेंजी टाइप का एक टून है, ठीक है, शरीर पे। और यहाँ पर वो ऑरेंजी लुक जाने के बाद, कलर जाने के बाद, यहाँ पर इसका लुक देख सकते हो फोटो का, कितना अच्छा, कितना बेहतर लग रहा है, ठीक है। और मैंने YouTube पर ये स्टोरी भी पोस्ट किया था। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं जिस ऐप से एडिट करूँगा वो है Epic, ठीक है। Epic आपको पहले भी मैंने दिखाया, हाँ। ये यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर सीधा जो फ़ोटोज़ को आप एडिट करना चाहते हो, जिन फ़ोटोज़ को मान लो कि मैं ये फ़ोटोज़ को एडिट करना चाहता हूँ, सिंपली इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर टूल्स, पोर्ट्रेट, फिल्टर्स, एडजस्ट, सारे कुछ मिलते हैं ना। तो यहाँ पर टूल्स में आके आप अगर इन्हेंसमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका फ़ोटो का क्वालिटी अगर थोड़ा सा कम है, अगर बेहतर करना चाहते हो तो ये जो इन्हेंस ऑप्शन है इसको आप दबा करके थोड़ा सा इन्हेंसमेंट अपने फ़ोटोज़ में ले सकते हो। उसके बाद सीधा आओगे एडजस्ट पर, यहाँ पर सिलेक्टिव HSL, ये दो ही मोड जो हमको चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव क्यों चाहिए, मान लो कि किसी किसी जगह पर ऐसा, मतलब मान लो कि एक कॉर्नर पर ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस कम है, यानी कि एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, ब्लैकिश दिख रहा है, ठीक है, यानी कि शेडो ज़्यादा है। तो उसको आप ब्राइटनेस करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कितना डिफरेंस आता है, देखते हो। तो ये है सिलेक्टिव का कमाल, ठीक है। आप जहाँ पर सिलेक्ट करोगे उस जगह पर ही स्पेसिफिकली इसका ब्राइटनेस या फिर जो भी बढ़ाते हो आप, सेचुरेशन वगैरह जो भी करते हो, लेकिन HSL इसमें नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्टिव में HSL कभी भी नहीं होता है।
तो यहाँ पर तीन चीज़ें चाहिए। यहाँ पर कर्व आप देख सकते हो, तो कर्व भी अब हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, बट कर्व आज नहीं सिखाएंगे आपको, कर्व के बारे में कहीं और हम मतलब बातें करेंगे, ठीक है। ये है कर्व, तो ये हम आप बात नहीं करेंगे, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे HSL के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो आप सेकंड नंबर पर HSL का ऑप्शन, यहाँ पर देखो आपको रेड, ये नीचे देखो कलर्स है, कौन सा कलर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो वो रेड अभी सिलेक्टेड है, अभी मैं अगर इसमें छेड़खानी करूँगा तो रेड में छेड़खानी होगा। तो ये जो बॉडी का कलर है ये है एक येलोइश शार्ट टून है ये, आप या फिर इसे ऑरेंजिस या फिर येलोइश टून मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है ये है एक ऑरेंजी टाइप का और ये है येलो, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन हमें छेड़खानी करना है ताकि हमारा जो बॉडी का स्किन टून है उसे हम दूसरे कोई स्किन टून से मैच करा पाए, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे ये जो येलो है इसका सेचुरेशन कम कर दिया, लाइटनेस को ज़्यादा कर दिया। अब ये फोटो कैसा लगेगा देख सकते हो आप, कितना वाइट बन चुका है, यानी कि जो रियलिटी में जो कलर है वो यहाँ पर आ गया। और ऊपर वाला जो है ये ह्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अगर मतलब बाई तरफ लाओगे तो ये थोड़ा सा वो लुक आएगा पिंकिश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है येल्लो, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे येल्लो बचा हुआ है, तो इसे भी हम देख सकते हो कितना सारा बचा हुआ था। तो इतने सारे कलर्स आपको नहीं दिखेंगे अच्छे से, तो ये भी हम वाइट कर देंगे, यानी कि लाइटनेस को बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को कम कर देंगे, ठीक है। तो सेचुरेशन को कम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये लुक आ चुका है, तो ये देखो कितना ज़्यादा बेहतर हो चुका है। इसको भी आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो, आप अगर बाएं तरफ लाओगे तो ये पिंकिश टाइप और दाएं तरफ लाओगे तो ग्रीनिश टाइप आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट्स है वो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, तो ये कितना सही बना है ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बोलना, ठीक है। और देखते हैं इसको और कुछ मैनेज करते कर पाते हैं क्या। यहाँ पर जो छतरी का कलर है वो है बिल्कुल रेड, तो इसको भी थोड़ा सा लाइटनेस को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कलर टून है स्किन का वो हमने बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग कर दिया है ना, तो लाइटेड हो गया, तो अब इसको भी करना पड़ेगा नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक कलर मैनेज आपको करना है एक एक करके। उसके बाद और भी कुछ रह गया हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर केस में छोटे छोटे कुछ ग्रीन पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, तो उसको फिर ब्लू फिर पिंकिश टाइप का जो भी पार्टिकल्स होंगे मतलब कलर्स होंगे फ़ोटो में उन सबको, और बाकी जितने भी कलर्स यहाँ पर है सारे के सारे को आपको मैनेज करना है, थोड़ा बहुत लाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि आपको वो भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैं शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है अभी, मेरे हिसाब से ये बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना ज़्यादा कलर करेक्शन हो चुका है, कितना ज़्यादा अच्छा कलर बन चुका है मेरे हिसाब से। आपको अगर ये कलर आपको बुरा लगता है तो ऑब्वियसली वो कलर आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो ही रहने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको भी डायरेक्टली ऑटोमेशन पे डायरेक्टली इसको बूस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट, ये है बिफोर वाला जिस पर कोई भी कलर करेक्शन नहीं है, ये है आफ्टर वाला। यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा लाइटनेस और लाइटिंग आ चुका है, एक स्टूडियो इफेक्ट आ चुका है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कलर करेक्शन करना मोस्ट प्रोबेबली सबसे आसान तरीका है HSL करना, और काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये फ़ोटो काफ़ी अच्छा बना देता है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव भी कर लिया, ऊपर डाउनलोड के बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा सेव कर सकते हो। और अब मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ, ये देखो नया नया आ गया, उस पिछले का दो वीडियो भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले का ये दो वीडियो है, इसके पहले जो आपको क्लिप मिला। तो यहाँ पर अब देख सकते हो ये है वो फोटो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बोलना, ठीक है। और जल्द ही नया वीडियो आएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।